A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English literature of class 2 and today I am going to explain you a story of Hare and a Tortoise. It is your activity chapter. Okay, so I will give you a activity related this chapter. I am going to introduce you this chapter. So, have a look on it. The Hare and the Tortoise, chapter 5. It's your activity chapter. It's a story of a hare and a tortoise. The hare was proudy. He thought that it was a fast runner. So, he decided to run a race. With tortoise. Okay, students? Then, it is a story of a hare and a tortoise. Let's read the chapter now. You all open your book, page number 39, chapter 5. The Hare and the Tortoise. One day, the hare and the tortoise decided to run a race. They set a day and a time and also the starting line and finishing line. One day the hare and the tortoise decided to run a race. Ek din, hare means khargosh, jo jangali khargosh hota hai, isko hare bolte hain. Hare and tortoise means kachua. Dono ne ek race decide kiya. They set a day and a time and also the starting line and finishing line. उन्होंने एक दिन डिसाइड किया और स्टार्टिंग लाइन जहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिनिशिंग लाइन जहाँ पर वो ख़त्म करेंगे. ठीक है. द रेस कोर्स वॉज अ वाइंडिंग पाथ थ्रू द फॉरेस्ट. द हेयर स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड. इट सॉ दैट द टर्टॉइज वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड. इट डिसाइडेड टू स्टॉप एंड टेक अ शॉर्ट नैप. ओके, अब क्या हुआ? जो द रेस कोर्स वॉज अ वाइंडिंग पाथ. अब जो रेस था यानी दौड़ थी वो बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, बहुत तेज़ी से हो रही थी, जंगल की तरफ बढ़ रही थी. तभी क्या हुआ? द हेयर स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड. तो खरगोश रुका और उसने पीछे की तरफ देखा, पीछे मुड़कर देखा. इट सॉ दैट द टर्टॉइज वॉट लेफ्ट फार बिहाइंड. उसने देखा कि जो कछुआ है वो बहुत ज़्यादा पीछे है. ठीक है. और उसने शॉर्ट नैप, नैप मीन्स क्या होता है? झपकी लेना. तो उसने सोचा मैं कुछ देर रुक जाता हूँ और थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ, यानी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ. नाउ नेक्स्ट. द टर्टॉइज केम टू द स्पॉट वेयर द हेयर वॉज स्लीपिंग. इट डिड नॉट वेक द हेयर अप. इट कंटिन्यूड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द फिनिश लाइन. द टर्टॉइज केम टू द स्पॉट. टर्टॉइज जो था, जो कछुआ था, वो स्पॉट में यानी अपनी जो जगह डिसाइडेड थी उस स्थान पे वो आ गया. वेयर द हेयर वॉज स्लीपिंग. और जहाँ पर वो आया, मतलब वो देख रहा, वो उस जगह पर आया जहाँ पर खरगोश सो रहा था. इट डिड नॉट वेक अप हेयर अप. उसने हेयर को यानी खरगोश को जगाया नहीं, उठाया नहीं. इट कंटिन्यूड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द फिनिश लाइन. और वो धीरे धीरे करके फिनिश लाइन की ओर तरफ बढ़ता रहा. व्हेन द टर्टॉइज अराइव्ड एट द फिनिश लाइन ऑल द एनिमल्स दैट हैड गैदर्ड देयर बिगैन टू चीयर. हरे, हुर्रे, हुर्रे, दे शाउटेड. व्हेन द टर्टॉइज अराइव्ड, जब जो टर्टॉइज था वह जब फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया, तब जितने भी वहाँ पे जो एनिमल्स इकट्ठा हुए थे सब वो कैसे साउंड करने लगे. जब वो खुशी हो जाते हैं तो चीयर अप का साइन क्या होता है? हुर्रे, हुर्रे. ओके, द हेयर वॉज. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41. द हेयर वॉज फास्ट एस्लीप नॉट फार फ्रॉम द फिनिश लाइन. इट हर्ड ऑल द चीयरिंग एंड वोक अप विद अ स्टार्ट. The hare was fast asleep, not far from the finish line.
अब क्या हुआ था, जब जो खरगोश था वो फिनिश लाइन से थोड़ी ही दूरी पर सो रहा था। इट हर्ड ऑल द चीयरिंग एंड वोक अप विद द स्टार्ट, और उसने सुना कि सारे लोग खुशी मना रहे हैं, और तब वो उनकी आवाज़ सुनकर जग गया। द हेयर, नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ, द हेयर क्विकली रैन टू द फिनिश लाइन, इट सॉ दैट द टर्टॉइज हैड रीच्ड द फिनिश लाइन बिफोर हिम एंड द एनिमल्स वर चीयरिंग फॉर हिम। द हेयर क्विकली रैन टू द फर्स्ट लाइन, फिर क्या हुआ, जो हेयर था वो दौड़कर फिनिश लाइन के पास आया। इट सॉ दैट द टर्टॉइज हैड रीच्ड, और उसने देखा कि जो कछुआ है वहाँ पहले से ही पहुँच गया था, और लोग उसको क्या कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे। द हेयर न्यू दैट ही हैड लॉस्ट बिकॉज ही वॉज टू श्योर अबाउट हिमसेल्फ। अब जो खरगोश था उसको इस बात का पता चल गया था कि वो इसलिए हार गया क्योंकि उसको अपने ऊपर क्या था, घमंड था। उसको ये लगता था कि मैं तो फास्ट रनर हूँ और मैं ही आगे पहुँचूँगा। इसलिए बेटा कॉन्फिडेंस, इसका व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस चैप्टर, बेटा कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट, यानी जिसको ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब हो जाता है अपने ऊपर घमंड आ जाना, ठीक है ना, विश्वास रखना अपने ऊपर अच्छी बात है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट यानी अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ही ये काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ इट इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन मैं ही ये काम कर सकता हूँ ये चीज़ अच्छी नहीं होती, इट नॉट गुड थिंग। सो बेटा इट इज़ योर एक्टिविटी चैप्टर। अब आप क्या करोगे ना, पहले तो आज क्लास वर्क में आप क्या करोगे बेटा, पूरे चैप्टर्स में आप क्या करोगे, डिक्शनरी या मोबाइल से देखकर हिंदी इसकी वर्ड्स की मीनिंग लिखोगे, बुक में ही वर्ड्स के ऊपर आप जैसे अंडरलाइन करोगे वर्ड्स को और उनके ऊपर उनकी मीनिंग लिखोगे, ये आपका क्लास वर्क है। होमवर्क में बेटा आप क्या करोगे, होमवर्क में डिस योर एक्टिविटी चैप्टर, इसलिए आप क्या करो, एक बनी बनाओगे बेटा, बनी, बनी जिसको क्या बोलते हैं, देखिए आपके बुक में बनी जो बना हुआ है ना, बनी इस तरह, ये बनी यानी खरगोश। आप क्या करोगे, वाइट चार्ट पेपर हो और कुछ और चीज़ें कलेक्ट करके जो आपके होम में, आपके घर में, हाउस में अवेलेबल हो, उससे लेकर आप एक बनी पहले ड्रॉ करोगे, फिर उसको कट करोगे, कटिंग करोगे, फिर करके एक बनी बनाओगे, ठीक है ना, कागज़ से, और उसमें कलर वगैरह कर दोगे, बनी तो वाइट कलर का ही होता है, ठीक है ना, और उसके नोज़ वगैरह ब्लैक, जैसे मतलब इन द सेंस आइस ब्लैक करके, और उसका ये आप वो करके ड्रॉ करोगे, और आप इसको मुझे आप एज अ होमवर्क, ये आपकी एक्टिविटी है, आप मुझे इसे सेंड करो, ओके करोगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।